कर रही है तो मोहित की कैसे ना बात करें, क्योंकि हम आए दिन पोस्ट देखते रहते हैं। मोहित क्या कहेंगे? यार, फिटनेस इज द वे ऑफ लाइफ एंड आई थिंक हर किसी को फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, और जब आप हेल्दी होते हैं तो बाकी सब चीज़ें हेल्दी हो जाती हैं। ग्रेट। तो यू नो फिटनेस और आपसे इस बार कुछ काफ़ी सारी टिप्स भी मिलने वाली है, तो किस तरह से रूटीन रहता है आपका फिटनेस को लेकर मोहित? यार, आई मेक श्योर कि मैं एवरी मॉर्निंग आई यू नो एक्सरसाइज, क्योंकि जो शुरुआत होती है दिन की आपको एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी होती है। बॉडी मूव करती है तो एक अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है आपकी, एंड यू नो इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि द मोमेंट यू वेक अप द बॉडी शुड मूव, वेदर यू शुड डू योगा और सम एक्सरसाइज, और आपकी जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So I follow a proper diet and I make sure that I, you know, move my body, exercise, whether it's yoga or weightlifting. Great. There are various types of exercises. So आपका कौन सा zone है, किस तरह से रहता है आपका fitness routine? I actually mix and match. So I do yoga three times a week, and I do four times weight training, and I do one day of functional training. आज क्या कुछ होने वाला है, आज क्या कुछ शेयर करने वाले हैं फिटनेस से रिलेटेड मोहित? बहुत सारी फिटनेस टिप्स आपसे साथ शेयर करने वाले हैं। आज हम वेट ट्रेनिंग करने वाले हैं, एंड वी माइट जस्ट डू लाइक वेरिएंट ऑफ फंक्शनल ट्रेनिंग आल्सो, सो यू विल सी, यू विल गेट टू वॉच ऑल माय फिटनेस रेजिम्स देयर। चलो फिर स्टार्ट करें। शुरुआत इज ऑलवेज यू नो यू वांट टू वार्म अप योर बॉडी, तो सबसे पहले हमने कार्डियो किया, थोड़ी वार्म अप कर ली बॉडी। अब इसके बाद हमारी वेट ट्रेनिंग शुरू होगी, सो यू गाइस विल वॉच इट एंड यू विल बी विद मी इन माय फिटनेस रेजिम। आज क्या कुछ इरादा है, कितना वेट उठाना है? देखो, वेट उठाना ही जो प्रॉब्लम है कि मिथ, आई थिंक यू नो सबको लगता है कि मैं ज़्यादा वेट उठाऊंगा तो मेरी ज़्यादा अच्छे से बॉडी बन जाएगी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू लिफ्ट द वेट अकॉर्डिंग टू योर प्रोपोर्शन, और ज़्यादा वेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फॉर्म, क्योंकि वो मसल जो है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो आई डोंट बिलीव कि मैं 100 पाउंड का डेडलिफ्ट करने वाला हूँ या बेंच प्रेस करने वाला हूँ। आई मेक श्योर मैं कम वेट से करूँ बट मेरी फॉर्म जो हो करेक्ट। तो हम आज अपना चेस्ट वर्कआउट करने वाले हैं, और सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं बेंच प्रेस से। सो आई थिंक वी हैव अबाउट 70 पाउंड एंड अबाउट 10 पाउंड ऑफ द रॉड, सो दिस इज द वेट आई एम गोना लिफ्ट, और आप देखिए कैसा लग रहा है आपको जब मैं लिफ्ट करूँगा। तो जी कभी आई नहीं, क्योंकि जब आप देख रहे होते हो तो आप बड़े एक्साइटेड होते हो, जब आपने वर्कआउट करना शुरू किया होता है तो तब आपकी फॉर्म सही नहीं होती, आप कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके उठा लेते हो। बट आई थिंक एज द टाइम पासेज एंड यू नो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, और आपकी बॉडी को भी अंडरस्टैंड होता है, तो आपकी फॉर्म जो होती है वो सही हो जाती है। एंड आई थिंक हैविंग द राइट फॉर्म इज द बेस्ट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी हमने फिनिश किया बेंच प्रेस, जिसके मेरे सारे सेट्स पूरे हो गए हैं, और अभी हम करने वाले हैं केबल फ्लाई। So watch me do that. अभी हमने फिनिश किया है केबल फ्लाई, और इसके बाद हम विल डू वन वेरिएशन ऑफ अ बैक वर्कआउट विच इज अ पुल अप, बिकॉज इट स्ट्रेंथन्स द होल बॉडी। तो उसके बाद फिर हम उसके आगे चलेंगे, सो लेट्स डू द वर्कआउट, लेट्स डू द पुल अप फर्स्ट। लगता है कि आज हम पूरे फॉर्म में हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरे अच्छे से इंस्पायर हो जाएं। सो अभी हमने आर्म्स की, तो अभी हम करने वाले हैं शोल्डर का एक वर्कआउट विच इज़ कॉल्ड शोल्डर प्रेस, विच यू कैन सी। सो विद दिस विद अ राउंड शेप ऑफ योर शोल्डर्स, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज शोल्डर इज़ वन ऑफ द जॉइंट मसल्स विच कनेक्ट्स ऑल द मसल्स, सो उसको स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम शोल्डर वर्कआउट करने वाले हैं। दिस इज़ फॉर ट्राइसेप्स, ये ट्राइसेप्स के लिए होती है, और दिस इज़ कॉल्ड पुली पुश डाउन विद द रोप। तो इससे जो आपके जो आर्म्स हैं और भी स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरा मूवमेंट मिल रहा है मुझे यहाँ पर, इट्स द करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। सो फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ यू नीड स्ट्रॉन्गर आर्म्स, सो दैट्स व्हाट वी डूइंग। बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि आपकी जो पूरी मसल्स होती हैं पूरी स्ट्रेच होती हैं, एंड गिव्स यू द होल फुल कॉन्ट्रैक्शन इन योर मसल, और जब मसल ब्रेक होती है इज़ व्हेन द मसल ग्रोज।
तो आई थिंक पुल अप्स इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज क्योंकि इसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, स्पेशली बैक विच इज़ अ बिगर मसल. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्ट्रेंथ ऑफ द स्पाइन ऑल्सो. थैंक यू सो मच अपना फिटनेस रूटीन शेयर करने के लिए मोहित. थैंक यू द प्लेजर इज माइंड क्योंकि आप लोग आए, आपने मेरे साथ मेरा फिटनेस रिजीम शेयर किया ताकि मेरे फैंस देख सकें और वो भी थोड़ा इंस्पायर हो सके. थैंक यू सो मच जी. तो क्या कुछ फिटनेस टिप्स अगर आप देना चाहें व्यूवर्स को? फिटनेस मैंने जैसे कहा कि फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल, तो आपको फिटनेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेनी चाहिए और बिकॉज गॉड हैज़ मेड अ बॉडी कि वो बॉडी मूव करे. सो वी शुड नॉट बी लेजी और जितना हो सके हमें फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि दे से हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड और आई डू दैट एंड यू शुड ऑल्सो डू दैट. जिम के बारे में क्या कहेंगे, गोल्स जिम की पूरी मुझे किस तरह से पूरी कंस्ट्रक्शन है और किस तरह से हेल्प करता है टू मेंटेन द फिटनेस? गोल्स जिम इज वेरी गुड है बिकॉज आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ देयर मशीन्स एंड इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेनर्स. सो अगर किसी को अच्छे से फिट रहना है तो आई थिंक यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मोटिवेशन बहुत मिलती है, एनर्जी बहुत अच्छी है एंड दे हैव वर्ल्ड क्लास मशीन्स. सो आई थिंक इट्स ऑल इन आउट अ परफेक्ट जिम फॉर एनीबडी हु वांट्स टू बी फिट. जी मोहित, आपसे ये सवाल जरूर जानना चाहिए क्योंकि सेट पे तो आना नहीं होता आपके शो के, तो फिर आप मिले ही है तो अपकमिंग प्रोजेक्ट यू नो डायन का शो कर रहे हैं आप, उसके साथ साथ क्या कुछ और चल रहा है मोहित? डायन के साथ अभी मेरा एक वेब शो चल रहा है विच इज़ माया 3 डायरेक्टेड बाय कृष्णा भट्ट विक्रम भट्ट से डाटा. तो वो चल रहा है आजकल, उसका शूट चल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है. आई होप यू वुड लव दैट शो इज़ वेल. दैट शुड बी आउट इन ऑगस्ट. इट्स अ थ्रिलर ड्रामा. तो कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शावरिंग योर लव एंड सेंडिंग योर ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वेब सीरीज. कैमरामैन भुवन के साथ शिल्पा पाटिल, E24 मुंबई.